नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्मा। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की ओर। मुंबई में बीती रात कमला मिल परिसर में आग लग गई, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस परिसर में कई कार्यालय और रेस्तरां हैं। वहीं इस हादसे में लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच जारी अधिकारियों की लड़ाई राज्यसभा तक पहुंच गई। एसपी सांसद ने सीएम के सपोर्ट में कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल केजरीवाल के साथ चपरासी की तरह व्यवहार करते हैं। आपको बता दें, एलजी और केजरीवाल की लड़ाई अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। लोकसभा ने एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब ऐसे पतियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी जो एक बार में तीन तलाक का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन के उत्तर कोरिया को तेल भेजने की रिपोर्ट सामने आने को लेकर बेहद निराश है। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि चीन को रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान से चल रही तनातनी की स्थिति के बीच पड़ोसी मुल्क चीन ने भारत को अपने सैनिकों पर नियंत्रण रखने की नसीहत दे दी है। चीन की सेना ने कहा कि भारत को सीमा समझौता को लागू करना चाहिए। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम में अगले महीने ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर सकती हैं। इसे ममता सरकार के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें, संबोधन का मकसद बीजेपी की बढ़ती ताकत को कम करना है। बिटकॉइन की बढ़ती वैल्यू को देखते हुए इसमें निवेश शुरू किया है तो सतर्क हो जाएं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि बिटकॉइन में निवेश काफी ज्यादा जोखिम भरा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हर व्यक्ति इसमें निवेश अपनी जिम्मेदारी पर करे। आखिरी साल में एक बिटकॉइन लाखों रुपए के बराबर हो चुका है। इसे देखते हुए भारत में बिटकॉइन के लेन देन के लिए पहला ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप से आप अपने मोबाइल से ही बिटकॉइन खरीद पाएंगे, साथ ही इससे जुड़े हर काम को आसानी से निपटा पाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्यसभा में बैठक के दौरान अपने भाषण में बताया कि उन्हें वजन घटाने वाली एक कंपनी ने धोखा दिया है। उन्होंने इसके बारे में उपभोक्ता विभाग से शिकायत की। वहीं पड़ताल किए जाने के बाद पता लगा कि ये कंपनी अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को उत्तरी कोरिया के चार जहाजों को अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचने से पहले रोक दिया। ऐसा संदेह है कि इन जहाजों में ऐसी सामग्री थी जो उत्तरी कोरिया के खिलाफ लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की सूची में शामिल है। मुंबई में बीते दिनों पब में लगी आग से 14 लोगों की मौत पर केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से दो बार बात की है। घायलों को बेहतर इलाज दिलाने की कोशिश जारी है। यह बहुत बड़ी गलती है कि वहां आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। तेलंगाना सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को 1 करोड़ रुपए और घर बनाने के लिए 600 वर्ग फुट जमीन भेंट की। राज्य के खेल मंत्री टी पद्मा राव ने मिताली को सम्मानित किया। मंत्री ने मिताली के कोच आरएसआर मूर्ति को भी 25 लाख रुपए भेंट किए। मैकडोनल्ड्स ने अपने ग्राहकों को उत्तरी और पूर्वी भारत में सीपीआरए द्वारा संचालित ब्रांडेड आउटलेट्स में खाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। मैकडोनल्ड्स ने कहा है कि इन रेस्टोरेंट में उपलब्ध खाने का सामान उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है। नेशनल क्रिकेट लीग के राजशाही की ओर से खेल रहे बांग्लादेश क्रिकेटर शब्बीर रहमान पर आरोप है कि उन्होंने एक फैन को अपने पास बुलाकर खूब पीटा है। इस घटना के बाद बीसीबी के अनुशासनिक समिति के उपाध्यक्ष शेख सोहेल का कहना है कि पिछले हफ्ते उस वारदात पर उनकी पूरी नजर है।